अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? सब खैरियत से ठीक ठाक हैं? दिस इज रिजवान हुसैन शाह फ्रॉम ब्रांड्स एप्लीका स्टोर। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है। नॉर्मली जो है वो हम अपनी मास्टर कॉपीज यहाँ से आपको डिस्प्ले करते हैं जो ब्रांड्स की हमने रेडी करवाई होती हैं, लेकिन जो पैरेलल हमें क्यूरीज आ रही होती हैं वो कस्टमाइज ऑर्डर्स की बहुत ज़्यादा मिलती हैं। हमारे कुछ बहुत ही प्यारे ओवरसीज कस्टमर्स जो कि चाहते हैं कि उनकी पसंद का कोई ड्रेस अगर हम जो है वो तैयार करवाएं तो उसमें क्या कॉस्ट होगी, क्या उसका प्रोसेसिंग टाइम होगा। तो पैरेलल हमारे पास एक हमारे बहुत ही अच्छे ओवरसीज कस्टमर्स हैं, उनका ऑर्डर जो है वो तैयार हम करवा रहे हैं। उनके दो ड्रेसेस तैयार होकर आए हैं, वो एक डिमॉन्स्ट्रेशन में आपको देना चाह रहा था ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि इस तरह की कोई चीज़ अगर आप तैयार करवाना चाह रहे हैं तो वो हमारे प्लेटफॉर्म पे पॉसिबल है, आप करवा सकते हैं। दो ड्रेसेस आज मैं आपको शो करूंगा। एक है आयशा इमरान का, प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं और ओरिजिनल की अगर मैं प्राइसेस की बात करूँ तो तकरीबन 1,80,000, 1,90,000 इस तरह इसकी प्राइसेस हैं। एक आयशा इमरान का आर्टिकल है और एक हुसैन रिहार का। आयशा इमरान का आर्टिकल मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ, पिक्चर जो है मैं स्क्रीन पे अभी लगा देता हूँ। ये वाला आर्टिकल है जिसकी हमने कॉपी तैयार करवाई है। अच्छा, ये कंप्लीट जो है हैंडमेड वाले आर्टिकल हैं, अड्डे पे ये काम तैयार करवाया गया है। ये जो हम नॉर्मली तैयार करवा के यहाँ से आपको शो करते हैं ये उससे थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ होती हैं। डिफरेंट इन दैट सेंस के इसका जो है वो टाइम भी ज़्यादा लगता है और इसके ऊपर जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा होती है। ये देखें, अब आप पिक्चर देखें, पिक्चर के साथ अगर टैली करें तो ये वाला ड्रेस जो है वो 1,80,000, 1,90,000 के करीब ओरिजिनल की प्राइस है। हमने इसको रेडी करवाया है, अड्डे का काम इस पर करवाया है। ये शर्ट का फ्रंट है, इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी नोटिसेबल होती हैं। ये सारा कस्टमर की चॉइस पे बनता है, इसकी कितनी लेंथ रखनी है, कौन सा नीचे फैब्रिक यूज़ करना है, कहाँ कहाँ आपको जो है वो स्प्रे चाहिए, किस तरह का स्टोन वर्क चाहिए, किस तरह की एम्बेलिशमेंट्स उसके ऊपर लगी हो, और ये जो साइड का जो चौक है ये कितने लंबे रखने हैं, दामन कितना होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग ये कस्टमर की कोऑर्डिनेशन के साथ होता है। और इसकी जो प्रोसेसिंग टाइम है ये नॉर्मली आपको 20 से 30 दिन के दरमियान जो है ये एक ड्रेस रेडी होता है। अब इसमें देखें, ये सारी एम्बेलिशमेंट्स जो हैं ये खुद से तैयार करवाई गई हैं अकॉर्डिंग टू द बेस कलर। उसके साथ इसको कंपैरिजन किया जाता है कि इस कलर के साथ ये कौन से स्टोन्स और कौन से नग जो है वो प्यारे लगेंगे। अब ओरिजिनल के मुताबिक यहाँ पे जो फिरोजा स्टोन जो लगा हुआ है इसी तरह से हमने इसको रेडी करवाया। काफ़ी बारीक काम है इसमें, देखिए कंप्लीट कोरे का नक्शीदब की और ये सारा स्टोन वर्क, इसके बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिंग से इसको रेडी करवाया गया। और ये देखिए यहाँ पे सारा इसका स्प्रे है स्टोन वर्क के साथ, साइड के चौक की एम्ब्रॉयडरी और ये दामन की एम्ब्रॉयडरी और नीचे हैंगिंग्स, ये देखें सारा दामन के मोटिव्स जो हैं वो इस तरह से तैयार करवाए गए हैं। वेलवेट का हमने फैब्रिक यूज़ किया है, इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप इसमें शिफून भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें रॉ सिल्क का फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। के जो है वो स्लीव्स में आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये स्लीव्स का मोटिव है, साइड पे ही इसके स्लीव्स के मोटिव्स तैयार करवाए गए हैं। वैसे शर्ट पे जिस तरह से वर्क है ये कंप्लीट कोरे का काम है, स्टोन वर्क है और यहाँ पे इसकी स्लीव्स की एजिंग है, ठीक है। तो ये माइक्रोफाइल का 9000 फैब्रिक यूज किया हुआ है, एमराल्ड ग्रीन कलर है, जिस तरह जो ब्रांड का कलर है वैसे ही है। बैक साइड पे भी देखें तो साइड पे आपको जो है वो स्लीव्स का एक पैटर्न नजर आएगा और ये बैक साइड के जो चौक हैं ये इस तरह से रेडी करवाए हैं। बैक पे सारी हैंगिंग्स जो है वो इसमें हमने लगवाई हैं। तो ये आयशा इमरान का आर्टिकल है। अब इसमें अगर आप पिक्चर देखें तो इसके ट्राउजर पे भी काम है, तो ये ट्राउजर अगर आप देखें तो इसमें भी सारी डिटेल्स जो हैं वो कस्टमर की कोऑर्डिनेशन के साथ ही रेडी करवाते हैं हम। अब इसमें ये देखें, ये इसका फ्लेयर है टोटल नीचे, जो आप कह लें कि प्लाजो अगर बनेगा तो इतना फ्लेयर इसका रखवाया गया। इसकी अगर कॉस्टिंग की मैं बात करूं तो ये इंचेस के जो है वो अकॉर्डिंगली इसकी कॉस्टिंग हो रही होती है। लेट्स से अगर हमने ये 4 इंच का जो है मोटिफ तैयार करवाया है और 15 से 20 इंच का हमने इसकी लेंथ रखवाई है, तो अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं या इसकी विड्थ को इंक्रीज करना चाह रहे हैं या यहाँ पे स्प्रे ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली सारी इसकी कॉस्टिंग होती है। जब आप हमसे कांटेक्ट करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपके साथ डिटेल में डिस्कस की जाएंगी। जो हम नॉर्मली ड्रेसेस रिटेल में सेल कर रहे होते हैं 15,000-20,000 की रेंज में, ये बिल्कुल उस रेंज में नहीं आते हैं। इसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा होती है, इसके ऊपर एफर्ट ज़्यादा लगती है, इसका टाइम पीरियड ज़्यादा है। तो अगर आपके पास टाइम है, लेट से 1 मंथ आप इसमें गुजार सकते हैं, टाइम पीरियड आपके पास है इतना, तो आप अपनी पसंद का जो डिज़ाइन है वो हमें सेंड कर सकते हैं कि हमें इस तरह की डिज़ाइनिंग पे, इस फैब्रिक पे, इतनी डिटेल्स के साथ ये सारा काम करवाना है। तो उसके अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह आपको आपको बहुत ही अच्छा और बड़ा तसल्ली बख्श जो है वो इंशाल्लाह काम करवा के दिया जाएगा। सेकंड आर्टिकल भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आर्टिकल है ये है हुसैन रिहार का, इसकी भी पिक्चर आपको जो है वो दिखाते हैं। स्क्रीन पे जो है वो पिक्चर मैंने डिस्प्ले की है, ये हुसैन रिहार का आर्टिकल है। अब इसकी ओरिजिनल की प्राइस अगर मैं बात करूँ तो ये प्राइस है जी ऑलमोस्ट 1,30,000 या 40,000 के करीब इसकी ओरिजिनल की प्राइस है। ये हमने जो आर्टिकल तैयार करवाया है ये करवाया है कोरियन सिल्क पे, ठीक है। अब ये देख लें फैब्रिक की
क्वालिटी आपके सामने है, इतना अगर हैवी काम करवाया जाए तो फैब्रिक पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। अब ये देखें इसकी नेक लाइन का जो काम है, कोई बता नहीं सकता कि ये हुसैन डार का ओरिजिनल आर्टिकल है या अड्डे पे तैयार करवाया गया। ये देखें माशाल्लाह, सबसे पहले इसका जो नीचे खाका बनता है उसके अकॉर्डिंगली फिर सारा इस पर हैंडमेड का काम है। इस पर भी देखें अब डल गोल्ड कलर का सारा स्क्रॉलिंग में कोरा चला हुआ है, कटदाने का काम है, पर्ल्स हैं, स्टोन्स हैं और बहुत बारीक काम है। ये इस तरह का काम है जो कि नॉर्मली आप ढूंढ रहे होते हैं कि हमें इस तरह के वर्क में कोई चीज़ चाहिए। अब पिक्चर स्लीव्स की अगेन मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ और ये स्लीव्स देखें जो हमने रेडी करवाए हैं, इस पर भी टोटल हैंडमेड का काम है। ये देखें सारा नीडल वर्क, कोरे का, स्टोन्स का, पर्ल्स का, नक्शी दबकी, हर तरह से बहुत ही आउटस्टैंडिंग चीज़ रेडी करवाई गई है। ये इसके स्लीव्स हैं और ये इसके सेकंड स्लीव्स आप देखें जी, माशाल्लाह बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी पे ये सारा आर्टिकल है हुसैन रिहार का, ठीक है। अब इसके ट्राउजर की मैं बात करूं तो ब्रांड ने जो है वो जो ट्राउजर मॉडल ने वेयर किया हुआ है उस पर भी वर्क है, तो उसी तरह से इसके ट्राउजर पे ये एक कंप्लीट एजिंग तैयार करवाई गई है। इसको आप जितना मर्जी लेंथ में या विड्थ में एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये भी कोरियन सिल्क का फैब्रिक है, ये देखें ये सारी जो है ये ट्राउजर की एम्ब्रॉयडरी है। उसके ऊपर जो कस्टमर की डिमांड है उसके मुताबिक ये दुपट्टा हल्का सा जो स्प्रे है उसके साथ जो है वो दुपट्टे को तैयार करवाया गया। ये देख लें जिसे छटा भी बोलते हैं, ये पूरे दुपट्टे पे इस तरह से हैंडमेड का हल्का सा स्प्रे है जो कि इसके साथ तैयार करवाया गया। तो ये हुसैन रिहार का आर्टिकल है हैंडमेड वाला। इससे पहले जो मैंने आपको शो किया है वो है आयशा इमरान का। इस तरह के बेशुमार डिजाइनिंग टाइम जो है वो स्टाइलिंग कस्टमर्स को बड़ी पसंद आ रही होती हैं, हमें पिक्चर्स भी शेयर करते हैं। तो जी अगर इस तरह का कोई हैंडमेड आप में से करवाना चाह रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 20 से 30 दिन का मैंने आपको टाइम पीरियड बताया, इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम मुश्किल ही है क्योंकि ये अच्छी खासी टाइम टेकिंग चीजें होती हैं। तो मजीद अगर आप कस्टमाइज ऑर्डर्स को लेकर डिटेल्स लेना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको डिटेल से गाइड किया जाएगा और जो भी आपकी क्यूरीज होंगी उसके अकॉर्डिंगली आपको डील किया जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। इधर आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी सी डिफरेंट थी लेकिन होप्स हो कि ये इंशाल्लाह आपके लिए बेनिफिशियल होगी। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।